हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हबानसु। चलिए बेटा, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड बिफोर दैट वी वर डिस्कस सम जनरल टॉपिक्स, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे प्योर सब्सटेंसेस। ओके, देन वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स। Then we also discuss about the properties of true solution, suspension and colloids. Okay? अब हमारा आज का जो टॉपिक है, how can we separate components of a mixture. Okay, बेटा, क्लास 6 में इससे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं अबाउट वेरियस कॉम्पोनेंट्स, हाउ कैन वी सेपरेट, जिसमें आपने हैंड पिकिंग पढ़ा होगा, विनोमिंग पढ़ा होगा, सीविंग पढ़ा होगा, ई ऑपरेशन, कंडेंसेशन, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन, डीकैंडेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इज दैट क्लियर? आज हम बात करेंगे दो मेथड्स की। फर्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, पहला हमारा क्या पॉइंट है कि किसी भी जो कंपोनेंट है उसका, किसी भी मिक्सचर का कलर्ड कंपोनेंट हम कैसे सेपरेट करेंगे। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल डाई है। ओके, डाई में मान लीजिए आपके पास है ब्लू या ब्लैक इंक भी कह सकते हैं हम, तो इनका जो कलर्ड कंपोनेंट है, कलर्ड पार्ट है, इज इट क्लियर बेटा, वो ब्लू पार्ट है कलर वाला या फिर ब्लैक पार्ट है, इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो किसी भी कलर्ड कंपोनेंट को हम सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज इवेपोरेशन। कौन सा मेथड है? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन मेथड से हम इजीली उसके कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब करेंगे कैसे, तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वॉच ग्लास है, इसमें आपने जो डाई है या इंक है वो डाल ली। अब इसमें आपको पता है जो डाई या इंक है, इट कंटेन्स बोथ वॉटर प्लस कलर्ड कॉम्पोनेंट। इज दैट क्लियर बेटा? अब हमें क्या करना है इवेपोरेशन के लिए, फर्स्ट वी हैव टू बी टेकन ए बीकर फिल्ड हाफ ऑफ इट विद वॉटर। आपने हाफ इसको किससे फिल्ड कर लिया? विद वॉटर। अब इस बीकर को आपने एक ट्रिपॉड स्टैंड पे रख दिया। ठीक है, ट्रिपॉड स्टैंड के नीचे आपने एक बर्नर यूज किया। ओके बेटा, बर्नर से आपने ये उसको क्या कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। बर्नर आपको पता है जनरली गैस सिलेंडर से कनेक्ट होता है। तो अब क्या होगा, इसकी जो हीट है वो वाटर को गर्म करेगी। जब ये वाटर गर्म होगा, इसके ऊपर हम रख देंगे ये वाला वॉच ग्लास जिसमें क्या थी, इंक। अब वाटर की हीट ट्रांसफर होगी किसमें, इस वॉच ग्लास में, जिससे क्या होगा, वॉच ग्लास के अंदर जो वॉटर है दैट गेट इवेपोरेटेड। ठीक है, जब वॉटर इवेपोरेट होगा तो क्या बच जाएगा, आपको मिलेगी सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट, और वो सॉलिड कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज कलर्ड कंपोनेंट। इज इट क्लियर? तो ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली हाउ कैन यू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, तो आपको उसमें कौन सी एग्जाम्पल बताना है, आपको बताना है इवेपोरेशन। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम इसी में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड। ओके, देखिए सेकंड मेथड, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क। अच्छा बेटा, ये वाला जो प्रोसेस है ये आपने अपने घर में भी देखा होगा,
चर्निंग ऑफ मिल्क, आपने देखा होगा मम्मा रात को क्या करती है, दूध में थोड़ा सा दही डाल के उसको जमा देती है, सुबह फिर क्या करते हैं उसको चर्न करते हैं, उसको बिलोते हैं, राइट। और जब उसको बिलोते हैं तो क्या सेपरेट होता है उससे, बटर सेपरेट हो जाता है वे से, बटर और वे क्या होते हैं बेटा, सेपरेट आउट हो जाता है, इज दैट क्लियर। अब सुनिए, इसी मेथड का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क से, इज दैट क्लियर बेटा। क्रीम को मिल्क से हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, ओके। अब क्रीम को मिल्क से सेपरेट आउट करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेम एज वैसे ही होता है जैसे हम दूध को बुलाते हैं, बट इसको हमने एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है बेटा, इसमें होता क्या है, एक मशीन होती है हमारे पास कुछ इस टाइप की, ठीक है, इसमें कुछ होल्स बने होते हैं, अंडरस्टैंड, इसमें कुछ होल्स बने होते हैं, जिस भी मटेरियल को हमें अलग करना है उसको हम इसके अंदर डालते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की जो प्लग होता है उसमें लगा देते हैं, ठीक है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर का पूरा पोर्शन क्या करता है, रोटेट करता है, ओके। जब ये रोटेट करता है तो उससे होता क्या है, देखिए जो हैवी कॉम्पोनेंट होते हैं, आपको पता भी है मैं कोई भारी चीज हैवी कॉम्पोनेंट तो कहा जाएगी सेटल्ड एट द बॉटम, सेटल्ड एट द बॉटम, ठीक है बेटा। और जो हल्का कॉम्पोनेंट है, लाइट कॉम्पोनेंट, लाइट यानी हल्का या लाइटर कॉम्पोनेंट भी आप कह सकते हैं, दे रिमेन एट द टॉप। जो लाइटर कॉम्पोनेंट है वो कहां रहेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इज दैट क्लियर। अब आपने देखा है जैसे बटर क्रीम को मिल्क से अलग करेंगे तो आपने देखा है दूध नीचे और जो पूरी क्रीम है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये तो था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के यूजेस बहुत होते हैं बेटा, इसकी एप्लीकेशंस हैं वो आप समझ लीजिए। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, तो सबसे पहले जो आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है लैबोरेटरीज में, जो डायग्नोज किया जाता है किसी को कोई डिजीज होती है उसका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं, वो सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ओके। दूसरा क्या होता है, आपने देखा अभी डेयरी प्रोडक्ट्स में, डेयरी में या घर पे जो भी हमें सेपरेट आउट करनी होती है क्रीम फ्रॉम मिल्क, या मैं फिर कहूं बटर फ्रॉम मिल्क, ओके, या छाछ वे, वो भी हम इसी मेथड से करते हैं। और एक और इसका यूज है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन में ड्रायर देखा होगा, ठीक है, तो ड्रायर में क्या करते हैं, वाटर को स्क्वीज आउट करते हैं, स्क्वीज आउट द वॉटर, स्क्वीज आउट द